मेरी डॉक्टर साहिबा जिनकी मैं रिगार्ड भी करता हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हूँ सर इस वक्त, और पिछले दो हफ्तों से बना हूँ सर। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि सर ना तो हम ऑफिस में चाय हुकूमत के उससे पीते हैं, ना पानी होता है, ना बिस्किट, हर चीज़ अपनी जेब से होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेट्रोल भी मैं अपनी गाड़ी मेरे साथ, अपनी जो एक डाला है जिसको पंजाबी में डाला कहते हैं, उसमें हम फिरते हैं। हुकूमत की गाड़ी इतनी पुरानी है कि उसमें आप वो रुक जाएगी हर जगह पे। तो बात ये है कि अपनी गाड़ी है, काम भी अल्हम्दुलिल्लाह। लोग यहाँ पे पिछली हुकूमतों ने 60-70 लाख रुपए पे लोगों को हायर किया था, और हायर किया है, हम 1,50,000 रुपए पे उनसे ज्यादा काम भी करते हैं, ईमानदारी से भी करते हैं, अल्लाह के फजल करम से। दूसरी बात सर, पेट्रोल की बात है, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, महंगाई है, मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि एक जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखना और कितनी इतनी ज्यादा लैंड, बड़ी लैंड होल्डिंग भी इतनी ज्यादा ना हो तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है सर्वाइवल। और हमें फिक्र है, मुझे फिक्र है, मैं तकरीर में अपनी उसमें करूंगा जब बजट स्पीच करूंगा। लेकिन सर ये सेल्फ ये एक्सप्लेनेशन, क्योंकि स्पीकर साहब भी आप जब बैठे हैं सर, आपने भी कहा है सब मेंबर्स को, आप कह रहे हैं कि आप पेट्रोल और वो उसका वो नहीं करें, तो हम आपकी हुक्म का वो करते हैं। लेकिन काश ये और लीडरों को भी ये एहसास होता, जलसों में हेलीकॉप्टर में जाते हैं, यानी अपनी सियासी जलसे हों सर, वो हेलीकॉप्टर के बगैर नहीं जाते, वो 200 गाड़ियों में फिरते हैं। वो कहते हैं अगर यलगार भी कहीं पे इस हुकूमत ये सेंटर पे करते हैं तो वो भी हुकूमत की गाड़ियों में करते हैं, तो क्या वो सही है? हम तो सर अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं। स्पीकर साहब आप कर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा कर रही है, क्या वो लोग कर रहे हैं अकाउंट वो अपना ख्याल कर रहे हैं? जरा जाएं मेरे सूबे में, जाएं खैबर पख्तूनख्वा में, अब जो आपको टेढ़, मैं वहां पे शुरू में पढ़ता हूँ, इरिगेशन वाले कागजात में डीसिल्टिंग होती होगी, वहां पे डीसिल्टिंग का कोई प्रोग्राम नहीं। आप जाएं वहां पे अकाउंटेबिलिटी करें, कोई भी नहीं कर रहा वहां पे, जरा पूछे वजीर का वो उसने पैसे कैसे कमाए, कोई वहां पे वो नहीं है। तो मैं खाली ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सिस्टम द वे इट इज गोइंग ऑन, ये तो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि आप खाली एक इसलिए कि जो बंदा बाहर आपके खिलाफ बात करता है या वो उसके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी शुरू, ऐसे नहीं होता सर। तो मैं ये सर ये अर्ज करना चाहता हूँ सर। दूसरी बात ये सर, लोड शेडिंग, मैं आपसे आज फिर मेरी रिक्वेस्ट है ना, फेडरल मिनिस्टर वाटर पावर के भी नहीं है, मैंने इस इजलास में पावर को नहीं, सर मेरे हलके में बिजली पिछले 6-7 दिनों से नहीं है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं सर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का लोग कहते हैं पब्लिक अकाउंट, लेकिन भाई हम लोग क्या करें सर, हम तो सियासी लोग हैं, वहां पे सर बिजली नहीं होती सर, महंगाई, अगर इमरानिया वो जो वो क्या कहते हैं तो इमरानी हुकूमत के आईएमएफ के साथ वो डील है, मैं बार बार कहता हूं आप ये लाएं यहां पे, क्यों हमें नेशनल असेंबली को आपने वो उसको बता नहीं रहे कि वो मुआहदा क्या था आईएमएफ के साथ, वो यहां पे ऑन द ये फ्लोर ऑफ द हाउस यहां पे डालना चाहिए। अगर अभी इन्होंने किया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो वो भी मैं भी उनकी बातों पर हैरान रहता, तो वो भी बड़े बढ़ के मारते थे, अब वो किधर है, उनको भी आना चाहिए यहां पर, जवाब देना चाहिए सर। ये आप यहाँ पे जैसे ख्वाजा आसिफ साहब, जैसे सरदार अयाज सादिक साहब, जैसे हमारे खुर्शीद शाह साहब आते हैं, ऐसे उनको भी चाहिए कि वो आए। तो सर ये दो मिनिस्ट्रियां, क्योंकि गर्मी में अगर बिजली ना हो और बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ना हो, तो फिर उसका यहाँ पे आने का क्या वो है सर। तो मैं ये वो करना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात सर, ये मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एज अ चेयरमैन सर, ये याद रखिएगा सर, हम कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे जैसे पहले लोग करते थे। शुक्रिया सर।